वेलकम टू पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों आज हम एक एम्पलीफायर बनाएंगे सिर्फ एक ही कंपोनेंट से, सिर्फ ये एक ही पीस 4440 आईसी का इस्तेमाल करेंगे और 80 वाट का एम्पलीफायर बनाएंगे और हम कोई भी कंपोनेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वीडियो, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए। तो पहले हम कनेक्शन के लिए कुछ पिन ऐसे मोड़ लेंगे। तो पहले हम 2, 3, 8 और 14 ये चार पिन को ऐसे ऊपर की साइड बेंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों 2, 3, 8 और 14 ये चारों पिन को एक साथ हम सोल्डरिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा ग्राउंड माइनस सप्लाई। अब हम एक स्पीकर लेंगे, स्पीकर कनेक्शन करेंगे हम 12 और 10, ये दो पिन पे स्पीकर कनेक्शन करेंगे हम गिन के 12 नंबर पिन और 10 नंबर पिन। देखिए दोस्तों ये 10 नंबर पिन है और ये 12 नंबर पिन है, ये दो पिन में हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे। बहुत ही आसान कनेक्शन है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जरूर घर पे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों 12 और 10 ये दो पिनों में स्पीकर को कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बीच वाला जो पिन है 11 नंबर पिन, उसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे। देखिए मैंने एक रेड वायर को इसमें कनेक्ट कर लिए हैं, इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। और जो एक नंबर पिन है इसमें हम ऑडियो इन देंगे। देखिए मैंने एक यूएसबी कार्ड ले लिया है, तो इसका जो साउंड का आउटपुट है इसका ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ मिला लेंगे। जो हमारा ग्राउंड का तार है, एक साथ कॉमन तार है, उसके साथ ग्राउंड जोड़ लेंगे और ऑडियो आउट हम एक नंबर पिन में जोड़ देंगे। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो 11 नंबर पिन पॉजिटिव और 2, 3, 8, 4 ये चारों पिन एक साथ नेगेटिव। देखिए दोस्तों मैंने 12 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर लिया है। अब एक बैटरी से यूएसबी कार्ड में लाइन देते हैं। देखिए हमारा साउंड प्ले हो चुका है, तो साउंड को थोड़ा कम कर लेते हैं, फुल साउंड में है ये क्योंकि हमने कोई वॉल्यूम नहीं लगाए हैं। कार्ड के साउंड को कम करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।